शिमला के बाद धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण सीट जो कि सबसे ज्यादा हॉट मानी जा रही थी, उसे आखिरकार भाजपा के प्रत्याशी किशन कपूर ने 2820 वोटों से जीत लिया। जीतने के बाद किशन कपूर ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि धर्मशाला की जनता के लिए पहले भी भाजपा ने काम किए थे और अब आगे भी करेगी। धर्मशाला के लिए सिर्फ घोषणाएं हुई हैं और धर्मशाला पिछले 5 वर्षों में पिछड़ा है और सिर्फ शगुफे ही हाथ आए हैं और आतंक का माहौल धर्मशाला में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि उनका प्रमुख मुद्दा आतंक से निजात दिलवाना है। उन्होंने कहा कि केंद्र में उनकी सरकार है और प्रदेश में भी अब बीजेपी की सरकार है, उसका सीधा लाभ धर्मशाला की जनता को मिलेगा। कपूर ने कहा कि हिमाचल का विकास तब तब हुआ है जब जब भाजपा की सरकार रही है। धर्मशाला की जनता के लिए पहले 3 बड़े काम क्या करेंगे? देखिए, धर्मशाला की जनता के लिए पहले भी हमने बहुत सारे काम किए हैं और आगे भी काम करेंगे, क्योंकि धर्मशाला जो है फोन पीछे वो 5 वर्षों में पीछे चला गया है। सिर्फ घोषणाएं हुई, शगुफे दिए गए, आतंक के साए में धर्मशाला की जनता जी रही थी, उस आतंक से भी निजात दिलाएंगे और केंद्र में सरकार हमारी है, हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और हिमाचल का विकास भी तब तब हुआ है जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही। केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुद्दे बहुत हैं लेकिन सभी मुद्दे ठीक किए जाएंगे। कपूर ने अपनी जीत का श्रेय जनता को दिया और कहा कि इस जीत का श्रेय जनता को ही जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद पूरे प्रदेश पर रहा है और हर जगह भाजपा को उन्हीं के दम पर जीत मिली है। प्रधानमंत्री ने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर हिमाचल में रैलियां की और उसके लिए हिमाचल की जनता उनकी आभारी रहेगी। सारे हैं, सभी मुद्दों को ठीक करेंगे। किस तरह देखते हैं सर अपनी जीत के श्रेय की? जीत का श्रेय पूरी जनता को देते हैं, लोगों ने वोट डाले, वोट के कारण ही जीत संभव हुई। प्रधानमंत्री की रैलियां भी हुई थी और शाहपुर में भी रैली हुई, प्रधानमंत्री जी का तो हमें आशीर्वाद रहा है, वो तो पूरे देश को आशीर्वाद है और हिमाचल प्रदेश को भी। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ हिमाचल प्रदेश में 7 रैलियां की थी, इतने व्यस्तम कार्यक्रम होते हुए भी हिमाचल छोटा प्रदेश को इतनी रैलियां उन्होंने की हैं, हिमाचल की जनता उनकी आभारी भी है और धन्यवाद भी। मंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका अभी कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन वे धर्मशाला के विधायक तो बन गए हैं। प्रदेश में हुए अपराधों पर उन्होंने कहा कि जब चीजों को ठीक किया जाएगा और सब बातों को जनता के सामने लाया जाएगा। स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर कपूर ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है और उसे जल्द पूरा किया जाएगा। देखिए, वो तो अभी आप मतलब हिमाचल का मंत्री नहीं पर धर्मशाला का विधायक तो बन गया। सर, क्या हम लोग जो करप्शन के यहाँ केसेस हैं उनके बारे में कोई इंक्वायरी वगैरह? निश्चित रूप से हर चीज को ठीक किया जाएगा, जो कुछ हुआ है वो समाज के सामने लाएंगे। स्मार्ट सिटी को लेकर क्या रहेगा सर, क्योंकि सब बड़ा मुद्दा रहा है? क्योंकि स्मार्ट सिटी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस सपने को साकार करें। सर, जो नई पेंशन कर्मचारी है उनको काफी उम्मीदें हैं, तो आप उनके लिए क्या? सभी की उम्मीदों और सभी की भावनाओं के अनुकूल उतरें। जो धर्मशाला में किशन कपूर की जीत हुई है, क्या कहना है इस पर आपने? धर्मशाला में कपूर साहब की जीत का श्रेय मोदी जी को जाता है। कपूर जी ने पहले भी 15 साल विधायक थे, यहाँ के लिए अच्छा काम किया और हम सभी को यहाँ से आगे 5 साल जो काम करेंगे धर्मशाला के लिए और लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया। जो 5 साल यहाँ पे कांग्रेस का शासन रहा, लोगों ने उसको निखारते हुए विकास बेशक हुआ था, इससे मना भी नहीं कर सकते। वहाँ पे गांव की हालत देख लीजिए, विकास सिर्फ पट्टी गांव पे हुआ है, बाकी सही मायने विकास तो दिखता नहीं है। वो शायद गायब हो चुका है या वो पागल हो चुका है। अब हमें होप है कि 5 साल अगर मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार है, हिमाचल में भी सरकार हमारी बनने वाली है, धर्मशाला में भी, और कपूर साहब अच्छे उससे जीते हुए तो अच्छे मंत्री बनेंगे और जिसका फायदा धर्मशाला को होगा। और मैं युवा होने के नाते यहाँ पे एक ही बात बोलूँ कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते भी बात बोलूँ कि यहाँ पे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष करेंगे और 5 साल में जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पा पाए वो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में बनाकर दिखाएंगे।